गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल आरआर रीजनिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का आज हमारा सेकंड पार्ट है, तो उसमें हमने बेसिक्स बता दिया था। तो देखते हैं क्या है इनइक्वालिटी। जैसे कोई भी क्वेश्चंस हम क्वेश्चन कर रहे थे, सपोज करिए जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि दिया गया है पी इज लेस आर इक्वल क्यू, फिर दूसरा दिया गया है टी इज इक्वल टू आर, और थर्ड दिया गया है आर इज ग्रेटर देन पी। तो ये है हमारे स्टेटमेंट। अभी इनका कंक्लूजन दिया गया है, तो कंक्लूजन क्या है, मान लो ये दिया गया है कंक्लूजन कि टी इज लेस आर इक्वल क्यू, और दूसरा दिया गया है टी इज ग्रेटर देन पी। टी इज ग्रेटर देन पी। अब इसमें हमको क्या बताना है कि देखो ये हो गए स्टेटमेंट, ये हो गए कंक्लूजन। तो इसमें हमको कंक्लूजन बताना, वैसे पता ही होगा ना, पांच ऑप्शन आते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारे, ठीक है। तो देखिए जैसा कि ये हमारा दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको हम आपस में, ये तो हमारे ब्रेक करके दिए गए ना, इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, जिसको बोलते हैं P is less R equal Q। अब देखिए P और Q का रिलेशन दिया गया, क्या आगे P और P या फिर Q कहीं पे दिया गया है, तो देखिए इसमें यहाँ पे दिया गया है ना R और P का रिलेशन, क्या दिया गया है R is greater than P, फिर क्या दिया गया है T is equal to R, तो T is equal to R हो गया, ठीक है। अब हमको बताना क्या है कंक्लूजन, कि दिया गया है T is less R equal Q, तो देखिए क्या दिया गया T is less R equal Q। हमने पिछली क्लास में बताया था जब अपोजिट साइंस आ जाते हैं, कोई भी कंक्लूजन दिया गया हो उन दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सपोज करिए ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, इन दोनों के बीच में कोई भी अपोजिट साइन अगर आ जाता है तो हमारा जो कंक्लूजन है वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो अब देखिए बोल क्या रहा है, टी इज लेस आर इक्वल क्यू, क्या टी जो है क्यू से छोटा या बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इक्वल वाले में क्या करते हैं कि चाहे जो भी पोजीशन दी गई, जैसे दिया गया टी इक्वल टू आर, तो या तो हम आर इक्वल टू टी लिखें या टी इक्वल टू आर लिखें, दोनों हमारे सेम होंगे ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर की जगह पे टी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा टी इज ग्रेटर देन पी इज लेस आर इक्वल क्यू। अब हमको बताना क्या क्या, क्या है T is less or equal क्यों, तो यहाँ पे क्या होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो चीज हमने बताई है ना कि अपोजिट साइन अगर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जो भी कंक्लूजन होगा, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, रॉन्ग कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया, टी इज ग्रेटर देन पी, क्या टी जो है पी से बड़ा है, तो देखिए जो हमने लिखा है उससे इसको कंपेयरिंग करा देंगे। तो अब देखिए क्या इसमें दिया गया, टी इज ग्रेटर देन पी है या नहीं है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया टी इज ग्रेटर देन पी, तो हमारा सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि ओनली सेकंड्स, ओके। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या दिया गया P is greater than Q, फिर दूसरा दिया गया है स्टेटमेंट R is greater than P, तीसरा है R is greater than O, हमारे दो कंक्लूजन दिए गए, इसमें हमको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, दिया गया P is greater than Q, P is greater than Q होगा, फिर क्या दिया गया है R is greater than P, तो अब हम क्या करेंगे R is greater than P ये हो जाएगा, फिर क्या दिया गया R is greater than equal होगा, ये हो जाएगा आर इज ग्रेटर आर इक्वल, ठीक है। आगे ठीक है, दिया गया पी इज ग्रेटर देन क्यू, आर इज ग्रेटर देन पी, फिर आर इज ग्रेटर आर इक्वल ओ, ठीक है। अब हमारे जो कंक्लूजन जो दिए गए हैं, तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, Q is greater than R, तो देखिए पहला वाला क्या करेंगे, Q is greater than R, तो देखिए Q को R तक हम यहाँ पे केवल चेक करेंगे, तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया R is greater than P, P is greater than Q, तो यहाँ पे हमने बताया था 100% साइन,
तो जो जो 100% साइन, जैसे ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, ये सब हमारे 100% साइन होते हैं, तो प्रायोरिटी जो भी होती है वो 100% साइन की ही रहती है। फिर अब देखें 50% साइन क्या होते हैं, ये हो गया लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, ये सब हमारे 50% पॉसिबिलिटी में आते हैं, 50% प्रायोरिटी में आते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया गया या कंक्लूजन दिया गया, कंक्लूजन को तो हमको चेक ही करना होता है, बट जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया होता तो उसमें जब हम कोई भी कंक्लूजन को चेक करते हैं तो जो हमारा 100% साइन होता है उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, बाद में 50% वाले की प्रायोरिटी आती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सब सारे 100% साइन दिए गए, जो हमारा कंक्लूजन है उसमें भी 100% साइन दिया गया, तो अब हमको बताना क्या क्यू इज ग्रेटर देन आर, क्या क्यू जो है आर से बड़ा है, बट यहाँ पे क्या है क्यू जो है पी से छोटा है और पी जो है आर से छोटा है, तो ये क्या हो गया गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड क्या दिया गया है क्यू इज लेस देन आर, क्या क्यू जो है आर से छोटा है, तो अब देखिए क्यू जो है आर से छोटा है, तो हाँ ये सही है क्यू जो है आर से छोटा है, कैसे देखें आर जो है पी से बड़ा है, पी जो है क्यू से बड़ा है, मतलब या फिर इसको जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं कि क्यू जो है पी से छोटा है और पी जो है आर से छोटा है, तो हमने अभी बताया 100% साइन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सेकंड कंक्लूजन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 5 वाला सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम पहले देखेंगे आइदर का केस, क्वेश्चन सबसे ज्यादा जिसमें डाउट होता है वो आइदर के केस में डाउट होता है, तो क्या होता है जो आइदर आर, मतलब क्या होता है कि या तो पहला या दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा निष्कर्ष सत्य है, या फिर दूसरा तीसरा, जितने भी हमारे कंक्लूजन आ जाए, दो से ज्यादा भी किसी भी क्वेश्चन में होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, कितने भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमको क्या पता होना चाहिए आइदर और नाइदर का केस। नाइदर का केस क्या होता है कि जैसे जितने भी हमारे कंक्लूजन दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए रॉन्ग होने चाहिए, गलत होने चाहिए, तो हमारा ये हो जाता है नाइदर का केस। आइदर का केस क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं, सबसे ज्यादा डाउट आइदर के केस में होता है, तो क्या करेंगे दिया गया है इसको नोट कर लेते हैं, नोट में लिख लो कि ऑल द थ्री गिवन सिंबल्स प्रेजेंट बिटवीन देम, ऑल द थ्री आइदर का केस क्या होता है, इसमें तीन कंडीशंस हमारी होती हैं, ये तीनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए किसी भी कंक्लूजन में, ठीक है। जैसे क्या दिया गया है ऑल द थ्री गिवन सिंबल्स आर प्रेजेंट बिटवीन देयर या फिर देम जो भी हो, ठीक है। तो कौन कौन से तीन सिंबल्स होने चाहिए, जैसे दिया गया है ग्रेटर और फिर दूसरा क्या है लेस आर इक्वल, तो ये हमारे तीन साइन हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाए, अभी सपोज करिए ये आ गया, अभी दूसरा आ जाए कि लेस या फिर ग्रेटर आर इक्वल, तो ये हमारे तीन साइन होते हैं, ठीक है। तो जो दिन जिन दो कंक्लूजन में हमारे ये तीन साइन होंगे वो कंक्लूजन आइदर के केस में आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉल्स इन डाउट, मतलब हमको पता नहीं है कि ये सही होंगे या गलत होंगे, डाउट में है, क्लियर नहीं है ना, तो वो चीज होनी चाहिए। फिर क्या दिया गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम, तो देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होना क्या होता है, जैसे ये मान लो सपोज करिए ये दिया गया ए इज ग्रेटर देन बी, फिर दिया गया है डी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अभी हम ए को डी भी लिख सकते हैं, डी को ए भी लिख सकते हैं इक्वल के केस में, तो ये क्या होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये जो चीज है हमने बताई है आइदर के केस वाले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर समझ में आ जाए तो जितने भी हमारे इनइक्वालिटी के आइदर के केस के क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इजीली से हम सॉल्व कर सकते हैं, और इनइक्वालिटी जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, बस क्या होना चाहिए अच्छे से समझ में आना चाहिए,
ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते भी रहिए, करवाते भी रहिए। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन भी दबा लें, नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे, इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। देखिए ये जो हमने क्वेश्चन जो लिखा है ये आइदर का केस का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आइदर का केस आता है उसको हम बताएंगे। तो देखिए जो ये हमारा दिया गया है, ये हमारे सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, ब्रेक करके स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंक्लूजन हमारे दो हैं, इसमें से हमको बताना है कि आइदर का केस होगा या फिर ये दोनों सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा स्टेटमेंट जो दिया गया है इसको हम पहले आपस में लिख लेते हैं कैसे। जो भी दिया गया है ए इक्वल टू बी इज ग्रेटर आर डी। अब देखिए बी यहाँ पे दिया गया है ना, बी के बाद क्या दिया गया है डी, सॉरी यहाँ पे दिया गया बी के बाद डी और फिर यहाँ पे दिया गया बी और सी। तो पहले हम डी को हटा देंगे, अभी यहाँ पे हम हटा देंगे, तो क्या करेंगे बी इज ग्रेटर आर इक्वल सी कर देंगे, ठीक है। फिर क्या दिया गया डी इज लेस देन ई, तो अब हम क्या करेंगे जो ये हमारा दिया गया है इसको हम ऐसे लिख देंगे बी इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा, और फिर क्या दिया गया डी इज लेस देन ई। मतलब अब देखिए इसके हम दो पार्ट बना सकते हैं, कौन कौन से दो हमारे हो जाएंगे, इसको हम ब्रेक करके लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक पार्ट बी, ए इक्वल टू बी इज ग्रेटर आर इक्वल सी, और फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी इज ग्रेटर आर इक्वल डी इज लेस देन ई, ठीक है। ये हमारे इसी के पार्ट हैं, ये जो हमारे दो पार्ट हैं, ये जो हमारा ऊपर जो लिखा गया है जिसको हमने आपस में कंपाइल करके लिख दिया है ये इन्हीं के दोनों पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, ए इज इक्वल टू सी, क्या ए जो है सी के बराबर है। फिर दूसरा क्या दिया गया ए इज ग्रेटर देन सी, तो अब देखिए इसके बारे में हमको बताना है। तो अभी हमने बताया था इक्वल वाले केस में हम लेफ्ट राइट कुछ भी लिख सकते हैं चेंज करके, तो देखिए बी की जगह पे अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी की जगह पे ए हो जाएगा, है ना, और ये तो हमारा सी दिया ही गया है। और हमको बताना क्या है कंक्लूजन में ए और सी के बीच का रिलेशन हमको बताना है। तो देखिए क्या दिया गया ए इज ग्रेट ए इक्वल टू सी, क्या ए जो है सी के बराबर। अब देखिए डाउट में है ना, क्योंकि ये हमारा जो साइन होता है ये ग्रेटर का भी होता है इक्वल का भी होता है, दोनों आपस में होते हैं, 50% साइन इसको बोलते हैं, ये क्या होता है ग्रेटर आर इक्वल, तो इसके बारे में हम अभी क्लियर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या दिया गया कंक्लूजन ए इज ग्रेटर देन सी, ए जो है सी से बड़ा है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया ग्रेटर भी है इक्वल भी है, और दोनों हमारे कंक्लूजन क्या दिए गए हैं एक में ग्रेटर दूसरे में इक्वल। तो ये जो हमारे जो कंक्लूजन है ये दोनों डाउट में है, कि बता नहीं सकते कि सही होंगे या गलत होंगे, बट क्या है डाउट में है। तो ये हमारा जो केस हो जाएगा ये आइदर का केस हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है, कंक्लूजन इज ट्रू, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे आइदर के केस में आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेटेस्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, लेटेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया है जी इज लेस आर इक्वल एच इज लेस देन वाई इक्वल टू बी इज लेस आर इक्वल यू। फिर दूसरा हमारा कंक्लूजन दिया गया है बी इज ग्रेटर देन एफ इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन आर, ये हमारे कंक्लूजन दिए गए हैं, ऊपर हमारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब हमको बताना क्या है y इज ग्रेटर देन r, तो देखिए जो भी हमारे कंक्लूजन है तो कोई जरूरी नहीं है स्टेटमेंट को आपस में हमको जोड़ के ही लिखना पड़े, शायद ये भी हो सकता है कि जो हमारा कंक्लूजन दिया है जो हमारे ब्रेक करके जो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसी में मिलता जुलता हो। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि दिया गया है y इज ग्रेटर देन r, क्या हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है इसमें y और r के बीच का रिलेशन कोई दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको आपस में जोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दिया गया है जी इज लेस देन एच इज लेस देन वाई इक्वल टू बी, अब देखिए बी, अब देख इसमें जो है बी तक ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे बी के बारे में हमको बताया गया है, यू का यू के बारे में कुछ भी दिया नहीं गया है, तो उसके लिए हम यू को छोड़ देंगे, क्या करेंगे बी इज ग्रेटर देन एफ इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन आर।
अब हम देखो छोड़ने का मतलब इसको हम अलग टाइप से, जब जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन बताया है तो इसको हम क्या लिख देंगे, ऐसे बना देंगे। तो ये हमारे दो हो गए, देखिए ये एक हो गया ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ठीक है। ये दो हमारे स्टेटमेंट हो गए। अब हमको बताना क्या है, y इज ग्रेटर देन r, क्या y जो है r से बड़ा, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए y इज ग्रेटर देन r, देखिए अब हमको जो भी देखना है, जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, क्या y और r के बीच में ग्रेटर का साइन दिया गया है। तो देखिए दिया गया है ग्रेटर का साइन, ये है ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, क्या दिया गया है, यू इज ग्रेटर देन डी, क्या यू जो है डी से बड़ा है। तो देखिए इसके बारे में अब हमको बताना है। तो देखिए ये तो हमने दो आपस में बना ही दिए थे, अब हमको यू और डी के बारे में बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दिया गया है इसको ऐसे बना देंगे ठीक है। मतलब देख लेते हैं यहाँ पे करके, यू इज ग्रेटर आर इक्वल बी इज ग्रेटर देन एफ इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन आर। मतलब अब देखिए अब हमको बताना क्या है, U is greater than D, क्या U जो है D से बड़ा। तो अब हमको देखना क्या है, U और D के बीच में क्या greater का साइन दिया गया है। तो देखिए हाँ ये यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए हमारा सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया, v इज ग्रेटर देन d इक्वल टू e इज ग्रेटर देन w इज लेस देन q। दूसरा हमारा स्टेटमेंट दिया गया, v इक्वल टू y इज लेस देन u इज ग्रेटर देन p। हमारे कंक्लूजन दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा, आइदर नाइदर कुछ भी हो। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा दिया गया है, अभी हमने जैसे पिछला वाला क्वेश्चन बताया था उसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। बस हमको क्या करना है, देखना है कि O is greater than W, हमारा जो कंक्लूजन दिया गया है, क्या O और W आपस में कहीं पे दिए गए हैं, उनके बीच का रिलेशन कहीं पे दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे W है, बट इसमें क्या O दिया गया, नहीं दिया गया। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ के लिखना पड़ेगा ठीक है। देखिए दिया गया है, V is greater than D equal to E is greater than W is less than Q। अब देखिए V का रिलेशन इधर दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा लिख देंगे है ना, ये हो जाएगा। देखिए यही दिया गया है ना, यहां तक तो हमारा ये तो हमने जैसे का तैसा लिख ही दिया। अब इसमें हमको चेक करना है, लिखने के बाद चेक करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम साइन को उल्टा कर देते हैं ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया, v इज ग्रेटर देन i, देखिए v ओ सॉरी v इक्वल टू i, v इक्वल टू i दिया गया। फिर क्या दिया गया, i इज लेस देन o, देखिए क्या i जो है o से छोटा है, यस सही है। फिर क्या दिया गया, o इज ग्रेटर देन p, o जो है p से बड़ा। तो देखिए जो हमने लिखा है वो सब सही है ठीक है। अब हमको क्या बताना है, जो भी हमारा दिया गया है कंक्लूजन उसको हमको चेक करना है। क्या दिया गया, O is greater than W, क्या O जो है W से बड़ा है। तो देखिए हमको क्या बताना है, O और W के बीच में क्या कोई अपोजिट साइन तो नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं है, कोई भी नहीं दिए गए हैं। अब देखिए हमको बताना क्या है, ग्रेटर के बारे में। तो देखिए क्या O और W के बीच में कोई भी ग्रेटर का साइन दिया गया है। तो देखिए यस दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट वाला क्या दिया गया है, नेक्स्ट कंक्लूजन, E is less than P, क्या E जो है P से छोटा है। तो देखिए E और P के बारे में हमको बताना है। तो देखिए क्या E और P के बीच में कोई भी अपोजिट साइन दिया गया है, पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अपोजिट साइन है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला, कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ओके उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, s इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर आर इक्वल l। फिर दूसरा हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, n इज ग्रेटर आर इक्वल d। फिर नेक्स्ट, n इज ग्रेटर आर इक्वल a इज ग्रेटर आर इक्वल y। अब देखिए हमको बताना क्या है, u इज ग्रेटर देन y, क्या u जो है y से बड़ा है। तो देखिए पहले हम चेक कर लेंगे, क्या u और y के बीच में कहीं भी एक साथ दिया गया रिलेशन, नहीं दिया गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सारे हमको जोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, s इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर आर इक्वल n।
अब देखिए n के बाद क्या दिया गया, d दिया गया, तो इसको हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही लोगों के बारे में या फिर कुछ भी दिया गया उसके बारे में दिया गया। तो देखिए अब हम इसको जोड़ेंगे, जो हमारे लेंथी स्टेटमेंट दिए गए होते हैं उनको पहले हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया, u इज ग्रेटर देन y, क्या u जो है y से बड़ा है। तो देखिए u जो है y से बड़ा मतलब ग्रेटर का तो साइन है बट साथ में क्या दिया गया, इक्वल का भी साइन दिया गया। तो देखिए अब देखिए इसके बारे में हम डाउट में है ना, तो डाउट वाले में सही भी हो सकता गलत भी हो सकता, यही होता है डाउट का मतलब, सही भी हो सकता गलत भी हो सकता हमको पता नहीं है। बट नेक्स्ट वाला देखेंगे क्या दिया गया, यू इज इक्वल टू वाई या फिर वाई इज इक्वल टू यू। अब देखिए इसमें देखिए क्या दिया गया, यू और वाई के बीच में फिर से वही रिलेशन पता करेंगे, क्या यू जो है वाई से बराबर है। तो देखिए इसमें देखिए ग्रेटर का भी साइन दिया गया इक्वल का भी साइन दिया गया, हमने क्या बताया था 50% ग्रेटर इक्वल मतलब 50% हम 50% जो भी प्रायोरिटी है वो हम ग्रेटर को दे सकते हैं, 50% प्रायोरिटी इक्वल को भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम बता नहीं सकते हैं, डाउट में है ना, ये हमारा डाउट में है। तो अब देखिए अभी हमने पिछला लो क्वेश्चन बताया था आइदर का केस, तो आइदर का केस वाले में हमने क्या बताया था, जो भी डाउट में हो आंसर कंक्लूजन जो भी हमारा हो वो डाउट में अगर हो तो वो दोनों हमारे आइदर के केस में आएंगे। तो हमारा जो पहला और दूसरा है ये हमारा आइदर का केस बन जाएगा। अब देखिए अभी हमारा एक और कंक्लूजन बाकी है, क्या बाकी है कि एस इज ग्रेटर देन ए, क्या एस जो है ए से बड़ा है, तो मतलब एस और ए के बीच में अब हमको देखना है कि क्या कहीं ग्रेटर का साइन दिया गया। तो देखिए दिया गया है, कहां पे दिया गया है, एस और यू के बीच में हमारा ग्रेटर का साइन दिया गया है, तो ठीक है। तो अब देखिए यहां पर भी हमारा एस और ए के बीच में कोई अपोजिट साइन नहीं दिया गया, अगर अपोजिट साइन होता तो हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाता, मतलब सेम साइन हमारे दिए गए, ग्रेटर इक्वल या इक्वल होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि अगर हमारा 100% साइन दिया गया तो उसको ही हम प्रायोरिटी देते हैं और ग्रेटर देन जो ग्रेटर जो है हमारा वो 100% वाला साइन इसमें दिया गया है, तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन है थर्ड वाला वो सही हो जाएगा और ऑप्शन हमारा फिफ्थ वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप, ओनली थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और सेकेंड आर ट्रू, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा स्टेटमेंट क्या है, आर इज लेस देन यू, फिर दूसरा दिया गया पी इज ग्रेटर देन यू, नेक्स्ट के इक्वल टू आर, नेक्स्ट डी इज ग्रेटर देन आर। अब हमारे ये तीन कंक्लूजन दिए गए हैं, इसको हमको बताना है कि कौन से कंक्लूजन सही होंगे, सारे भी सही हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है। तो आप देखें d इज ग्रेटर देन k, क्या d और k के बारे में कहीं एक साथ रिलेशन दिया गया, नहीं दिया गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमको एक साथ जोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे वो तो आपको पता ही है, अभी बता ही रहे हैं, क्या दिया गया की r इज लेस देन u, ठीक है, फिर क्या दिया गया p इज ग्रेटर देन u, p इज ग्रेटर देन u, ये हो गया p इज ग्रेटर देन u, फिर क्या दिया गया है d is greater than r, तो देखिए ये हो गया d is greater than r, फिर क्या दिया गया k equal to r, ये हो गया k equal to r, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमको बताना क्या है कि d is greater than k, क्या d जो है k से बड़ा है, तो अब देखिए d और k के बारे में हमको बताना है, तो हम यही ऐसे बना देंगे इसको, मतलब क्या हो जाएगा d is greater than r equal to k। तो अब देखें k की जगह पे r लिख सकते हैं, r की जगह पे k लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम k लिख देंगे, क्या हो जाएगा d is greater than k, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं आगे का हमारा जो भी दिया गया है, आगे क्या दिया गया है कि d is greater than p, क्या d जो है p से बड़ा है, तो अब देखें d और p के बीच का रिलेशन हमको देखना है। तो देखिए पहले तो हम क्या चेक करते हैं कि अगर कोई भी अपोजिट साइन दिया गया हो तो उसमें हमको क्या होती आसानी होती है, कैसी आसानी, अगर अपोजिट साइन दिया गया हो तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे बी और पी के बीच में कहीं भी क्या अपोजिट साइन दिया गया, तो देखिए एक तो ये दिया गया दूसरा ये हमारे दोनों आपस में क्या अपोजिट है, तो इसलिए ये हमारा सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या दिया गया आर इज ग्रेटर देन यू, क्या r जो है u से बड़ा है, तो
तो देखिए आर जो है यू से बड़ा है, तो देखिए ये तो हमारा स्टेटमेंट में ही दिया गया है ना, ओ सॉरी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, हमने गलत बोल दिया है, सॉरी आर इज लेस देन यू दिया गया है, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, आर इज ग्रेटर देन यू। तो जो हमारा स्टेटमेंट है कंक्लूजन है वो क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। अपोजिट का मतलब साइन हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है यहाँ पे लेस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला कंक्लूजन जो है हमारा वो पहला सही हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा जो ये दिया गया है वो सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं सामने। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको पास उनके पास ये हमारा वीडियो शेयर करिए, लोगों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।